नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं शेफ कालू सिंह गुजर। आज हम इस सेंस से फिर से एक नया स्टार्टर लेके आ रहे हैं जिसका नाम है हनी चिल्ली पटेटो। हनी चिल्ली पटेटो बनाने के लिए हमें बेसिकली जो कि हम होममेड घर पे भी बना सकते हैं, किस तरीके से घर पे बना सकते हैं, तो मैं उसके लिए छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स आपको होममेड स्टाइल में, रेस्टोरेंट स्टाइल में हनी चिल्ली पटेटो और हनी चिल्ली पटेटो और हनी चिल्ली पटेटो में उसमें भी डिफरेंट बता दूंगा। और हम आज वैसे बेसिकली हनी चिल्ली पटाटो बनाए हैं, उसके लिए आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहना। तो मैं आज बेसिकली हनी चिल्ली पटाटो बना रहा हूँ, उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो मैं इंग्रेडिएंट्स पहले आपको शो कर देता हूँ, उसके लिए आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहना। उसके लिए हमें सबसे पहले ये फ्रेंच फ्राई लिया है। फ्रेंच फ्राई ये आलू का है। हम ऐसे आलू काट के फ्राई करके इसको, सॉरी, आलू काट के बॉईल करके इसको फ्राई करके इस तरीके से तैयार कर लेंगे सबसे पहले। देन इसको तैयार करने के बाद हमारे पास सबसे पहले ये बैटर बनाया हुआ है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जो हमने क्रिस्पी कॉर्न बनाया था, सेम वही बैटर है। कॉर्नफ्लोर मैदा इक्वल क्वांटिटी में, थोड़ा सा ब्लैक पेपर के अनुसार। देन ये कॉर्नफ्लोर है हमारा, इसमें मैदा है, कॉर्नफ्लोर है, ये हमारा जिंजर है, ये गार्लिक है, ये आरोमेट पाउडर है जिसको हम चाइनीज़ सीजनिंग बोल सकते हैं, और ये हमारा शुगर है, ये सीसमी सीड है जिसको वाइट तिल बोलते हैं, ये ऑनियन है, ये चिल्ली पेस्ट है, जो कि चिल्ली पेस्ट सिर्फ और सिर्फ रेड चिल्ली होल से बना के रखा हुआ है हमने, ये साल्ट है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार करने के बाद में देन ये हमारा हनी है, ये टमाटो केचप है। तो ये सब जैसे इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गए, तैयार होने के बाद देन हमने क्या करना है उसके लिए आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहो। मैं अभी आपको मिक्सिंग करके तैयार करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने ये फ्रेंच फ्राई लिया। फ्रेंच फ्राई मीन्स कि हमने आलू काट के और इसको उस तरीके से रेडी किया। उसके बाद देन हमने हनी चिल्ली बनाना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा ये चिल्ली पेस्ट ऐड करेंगे, चिल्ली पेस्ट ऐड करेंगे। तो ये हमने चिल्ली पेस्ट डाला। चिल्ली पेस्ट डालने के बाद देन ये हमारे पास आरोमेट है जिसको चाइनीज़ सीजनिंग बोल सकते हैं, आरोमेट के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल होता है, ब्रोथ पाउडर के नाम से भी, वेज ब्रोथ अवेलेबल होता है, और चाइनीज़ सीजनिंग के नाम से भी अवेलेबल होता है, ओरिएंटल सीजनिंग के नाम से भी अवेलेबल है। ये साल्ट ये हमने इसमें डाला। देन ये मैंने आपको बताया बैटर, तो सबसे पहले ये मिक्स करेंगे हम, ताकि सॉल्ट और चिल्ली मिक्स हो सके। इस तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद देन हमें इसको इसकी कोटिंग के लिए हमें बैटर बनाना होता है। बहुत बार हम घर पर ट्राई करते हैं लेकिन कोटिंग के अकॉर्डिंग वो बन नहीं पाता है। तो देन ये सबसे पहले हम ये बैटर यूज़ करेंगे, जितना क्वांटिटी में हमें बनाना है बैटर। सबसे पहले बैटर यूज़ किया हमने, बैटर ऐसे प्रॉपर मिक्स होना चाहिए। इस तरीके से ये बैटर में हमने मिक्स कर दिया। देन ये हमारा कॉर्नफ्लोर है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जितना हम हनी चिल्ली पटाटो बना रहे हैं, और थोड़ा मैदा टच करेंगे। इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे। कोटिंग उस तरीके से होना चाहिए ताकि ये खुला खुला होना चाहिए, ताकि फ्राई होने के बाद ये चिपकेगा नहीं। तो ये इस तरीके से ये कोटिंग हो गई इसकी, थोड़ा कॉर्नफ्लोर और टच करेंगे, तो ये इस तरीके से इसकी कोटिंग हो गई है। कोटिंग होने के बाद देन हम वही सेम प्रोसेस, पहले सेलो फ्राई करेंगे, देन डीप फ्राई करेंगे। तो हमने उसके लिए ऑयल बिठा रखा है। ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा हमें इसके लिए मेंटेन करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन करने के देन उसके बाद ही हम सेलो फ्राई कर सकते हैं। अगर तेल हीट है, हम हीट तेल में अगर इसको डाल देते हैं तो वो सेलो फ्राई नहीं होगा, और फ्राई भी नहीं होगा, क्रंची भी नहीं होगा, क्योंकि ऑयल में जैसे डालेंगे तो ये जल जाएगा, ब्लैक हो जाएगा एकदम। तो हम ब्लैक नहीं करेंगे इसको, इसको एकदम गोल्डन फ्राई करके निकालेंगे, गोल्डन कलर में क्रंची एकदम, ताकि हमारा हनी चिल्ली पटाटो बन के तैयार हो जाएगा क्रंची टाइप का। तो मैं अभी आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहना, आप मैं आपको फ्राई करके सेलो और डीप दोनों डिफरेंट बताता हूँ। ये हमने ऑयल बटा रखा है, ऑयल में हमने ये डाल दिया, तो देन हम इसको पहले सेलो फ्राई करेंगे, देन डीप करेंगे। ये हमने इस तरीके से कलर देके सेलो फ्राई कर लिया। देन हम फ्लेम थोड़ा और तेज़ करेंगे। फ्लेम और तेज़ करने के बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया सेलो फ्राई करने के लिए, और मैं अभी इसको फिर से डीप फ्राई करूँगा। डीप फ्राई में हम इसको एकदम गोल्डन कलर देके निकालेंगे।
तो ये हमने डीप फ्राई कर दिया आपको जो मैं बोल रहा था गोल्डन कलर, तो मैंने आपका ये गोल्डन कलर एकदम क्रंची, आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे इस तरीके से आवाज़ आ रही है इसकी क्रंची की, तो ये एकदम गोल्डन फ्राई करके हम एक इस प्लेट में निकाल के रखेंगे। तो ये इस तरीके से आपको इसी कलर में फ्राई करके रखना है। अब इसको हमने बनाना हनी चिल्ली, तो हनी चिल्ली का सॉस कैसे बनेगा उसके लिए आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहना। तो हमने उसके लिए ये फ्लेम ऑन किया, फ्लेम हम गैस को बोलते हैं, गैस ऑन किया। गैस ऑन करने के बाद देन हमने ये हमारा जो चाइनीज़ वॉक बोलते हैं हम इसको, चाइनीज़ वॉक बिठाया। आप घर पे कढ़ाई में फ्राई पैन में भी बना सकते हो इसको। उसके बाद देन सबसे पहले हम गार्लिक डालेंगे इसमें, और ये रेड चिल्ली है हम इसको डायमंड शेप में कट करके डालेंगे। देन उसके बाद जिंजर है हमारे पास, जिंजर डालेंगे। देन हम इसको सौते करेंगे, सौते इतना करेंगे कि ताकि इसका ब्राउन कलर आ जाए, एकदम गोल्डन कलर आना चाहिए उसके लिए। तो ये हमारा गोल्डन कलर तैयार हो गया। गोल्डन कलर जैसे ही तैयार होगा उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा फ्रेश वाटर यूज़ करेंगे ताकि ये जल नहीं सके ऑयल में हमारा गार्लिक और जिंजर। देन उसके बाद सबसे पहले चिल्ली पेस्ट यूज करेंगे। चिल्ली पेस्ट भी स्पाइस के अकॉर्डिंग डालेंगे, लेकिन एक पोर्शन में 1 स्पून यूज करना है हमें। देन ये हमारा सीसमी सीड है जिसको हम तिल बोलते हैं, वाइट तिल बोलते हैं। देन ये टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने साल्ट, ये जो मैंने आपको बताया था ब्रोथ पाउडर। देन लास्ट में हमने हनी डालना है, हनी हमें स्वीट के अकॉर्डिंग और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, तो 2 डिनर स्पून हमने हनी डालना है। देन हमने इसको मिक्स करना है। तो ये थोड़ा सा हम इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड करेंगे, वाइट पेपर भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा ये हमारा स्प्रिंग ऑनियन जिसको हम चाइनीज़ का धनिया बोल सकते हैं, ओरिएंटल का धनिया बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सॉस तैयार किया है, मैं आपके सामने बना रहा हूँ, वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहना। उसके बाद देन हमने इसको थोड़ा सा सॉस को हमने थिक करने के लिए कॉर्नफ्लोर, ये कॉर्नफ्लोर है हमने थोड़ा इसमें पानी डाल के रखा हुआ है, तो हम इसमें थोड़ा सा इसे ऐसे घोल के इसको थोड़ा कॉर्नफ्लोर टच करेंगे ताकि सॉस है जो ठीक हो जाएगा हमारा। देन हमने सॉस थोड़ा बाई साइड कर लेंगे। ये गोल्डन फ्राई हमारा जो फ्रेंच फ्राइज था, जो आलू थे फ्राई करके रखे, तो उसको हम इसमें सॉस को टच करेंगे। देन ऐसे टॉस करना है इसको इस तरीके से। तो ये हमारा हनी चिल्ली पोटैटो इस तरीके से बन के तैयार हो गया। तो मैं आपको इसका प्लेटिंग और कैसे सर्व करना है मैं उसके बाद बताता हूँ, आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहना। तो ये हमने इस तरीके से ये प्लेट तैयार किया इसके लिए, ये प्लेट में सर्व करना है। ये हम इस तरीके से स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे इसमें, जिसको हरा प्याज बोल सकते हैं हम, ये कोरिएंडर भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। कोरिएंडर प्रेजेंट करने के देन हमने ये थोड़ा सा इसके लिए ओरिएंटल का गाने सिंग करने के लिए, एक प्लेट अच्छा सा प्रेजेंट करने के लिए गेस्ट के लिए, हमारे घर पे भी जो गेस्ट आते हैं उसके लिए इस तरीके से प्लेट प्रेजेंट कर सकते हैं। और प्लेट प्रेजेंट करने के बाद देन हम इसको सर्व कर सकते हैं, हम खुद भी खा सकते हैं, टेस्ट करके देख सकते हैं। तो आप उसके लिए मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते रहना, मैं अगेन और एक नया स्टार्टर लेके आऊँगा तो कि ओरिएंटल से रहेगा वो। और उसके लिए आप वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, देन खा के इंजॉय कीजिए। देन थैंक यू सो मच।